गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग एक वीडियो वन डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ा था, फिर उसका सोल्यूशन भी लिया था। और सोल्यूशन के बाद ये वेरी मोस्ट फैक्टर्स है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है ठीक। और इस बार एग्जाम में आने की बहुत विकल्प होना बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। एक समान भी किसी वीडियो में करने की चाहिए, ठीक है। आज इसको पूरा पढ़ेंगे, शुरुआत से लेकर आखिर तक इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे, क्लियर है। नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है और आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये एक तो लिखा है एक समान किसी डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। उसके लिए सबसे पहले हम डोरी लेते हैं, ठीक। और डोरी कैसे होनी चाहिए, डोरी में निम्न गुण, जैसे डोरी जो हम लेंगे जिसका प्रयोग करते हैं या जो डोरी होनी चाहिए वो समान घनत्व, कैसी हो, समान घनत्व समान परिच्छेद, ठीक। क्या मतलब है इसका, मतलब जो डोरी हो वो एक समान घनत्व की हो, एक जैसी हो। समान परिच्छेद का मतलब है ऐसा ना हो कि कहीं पर मोटी है कहीं पर पतली है, तो इसको हम एक समान डोरी नहीं मान सकते, क्लियर। तो जो डोरी होनी चाहिए वो एक समान घनत्व की और एक समान परिच्छेद की होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है कि जो डोरी हो वो पूर्णतः प्रत्यास्थ हो, जो डोरी हो वो फ्लेक्सिबल, कैसी हो, फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल हो या प्रत्यास्थ हो, कैसी हो, प्रत्यास्थ, ठीक। पूर्णतः प्रत्यास्थ मतलब अगर उसको फ्लैक्चुएट किया जाए तो फ्लैक्चुएट भी हो और प्रत्यास्थ भी होगा, जरूरी ऐसी नहीं होती। लेकिन हम जब डेरिवेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हमको ऐसी चीज़ें माननी पड़ती हैं ताकि बाहर का किसी भी डोरी पर भी बाहर का प्रभाव नहीं लग रहा है, क्योंकि ना तो हमें उसकी फ्लैक्चुअलिटी से मतलब कोई प्रभाव पड़ता है तो फ्लैक्चुअल हो जाती है या नहीं होती है, वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम उसको क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि डोरी कैसे होनी चाहिए, फ्लैक्चुअल होनी चाहिए और प्रत्यास्थ होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जब डोरी को खींचा जाए, क्या किया जाए, डोरी को खींचा जाए, कंपन करते समय, क्या करते समय, कंपन करते समय उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, उसकी लंबाई में परिवर्तन ना हो, ठीक है। कहने का मतलब जब हम उसको कंपन करें, जैसे कोई डोरी है, ठीक, इसको हम नीचे से नीचे या ऊपर से नीचे तो ऐसे कंपन करने लगेगी, ठीक। तो जब ये ऐसे कंपन करे तो इसकी लंबाई में, इसकी लंबाई अगर एल है, यहाँ से लेकर यहाँ, क्लियर, इसकी लंबाई में पूरी एल ही रहे, पूरी रहे, ओनली एल ही रहे, इसकी लंबाई में परिवर्तन। अब एक बात आती है कि सर फ्लैक्सीबल होगी तो उसकी लंबाई में परिवर्तन नहीं होगी, खींचेगी फिर वहीं आएगी फिर खींचेगी, तो इसलिए सर में जाना जाते हैं कि इन सारी चीज़ों पर कोई बाहरी इफेक्ट ना हो, मतलब जब हम कंपन करा सकते तो उसकी लंबाई में परिवर्तन ना हो, किसी भी डोरी के लिए हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं हमारा ये कोई डोरी है, वो इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों नियमों का पालन है, तो उसको हमें डोरी मान लेते हैं जो हमारे डेरिवेशन में काम है, ठीक। आप डोरी का क्या करते हैं, डोरी को हम दो पॉइंट पर बांध देते हैं, इधर बांध देंगे एक इधर बांध, ठीक। मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, क्लियर। अब हम ए और बी पर एक समान खींची डोरी को हम उस तरीके से मान लेते हैं जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज हो और उसको बांध देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उस डोरी को ऐसा पकड़कर उसको कंपन कराते हैं। जब हम उसको कंपन कराएंगे तो हमारी डोरी होगी ए और बी, हमने पहले से चित्र बना रखा है ताकि दिक्कत ना हो आप लोग समझने में। ए और बी दो पॉइंटों को बंधा हुआ है, इसको हमने कंपन कराया, ठीक। कंपन कराने तो चूंकि डोरी फ्लेक्सिबल है, समान घनत्व है और इसकी लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा, तो जब हम इसको कंपन कराएंगे तो इसका जो तनाव बल है वो कैसा रहेगा, वो एट एवरी पॉइंट पर सेम रहेगा, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल प्रत्यास्थ है, तो वो प्रत्येक बिंदु पर कैसा रहेगा, एक समान रहेगा, चाहे वो इस संबंध में हो, चाहे वो यहाँ पर तीन मान लें और यहाँ पर भी मान लें तो भी उतना ही रहेगा, और इस तरीके से जब वो कंपन कर रहे हो तब भी मान लें तो इस तरफ भी टी वर्क करेगा और इस तरफ भी टी वर्क करेगा किसी भी पॉइंट पर। हाँ इसमें पॉइंट ले लेते हैं, छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं पी और उसी के पास में एक पास की दूरी ले लेते हैं क्यू। छोटा सा इस दूरी में पास ले लेते हैं पी और क्यू। अब जब डोरी कंपन में होगी तो उसके निर्देशांक उसके पॉइंट हम ले लेते हैं पी डैश और क्यू डैश। क्लियर है ना? पी डैश से नीचे की ओर इतना बल करेगा और यहाँ पर क्यू डैश से ये इतना बल ऊपर की ओर कार्य, क्योंकि अल्पांश है तो दोनों तरफ इतना बल तो दोनों तरफ काम करेगा। और इस जो अल्पांश हमने लिया है इसकी मूल बिंदु ऑरिजिन से दूरी कितनी मान लेते हैं? ऑरिजिन से दूरी मान लेते हैं h। और इस अल्पांश की दूरी कितनी मानते हैं? इस अल्पांश की दूरी मानते हैं dh। क्लियर? अब यहाँ देख रहे हैं इसका जो तनाव बल होगा, ठीक इस तनाव बल का घटक होगा, एक होगा y घटक, एक होगा ये y घटक होगा और ये x घटक होगा। इसी प्रकार इसमें होगा ये y घटक होगा और ये x घटक होगा। आप लोगों ने पढ़े होंगे कोई बल लग रहा है जैसे यहाँ पर ये आर लग रहा है तो उसके जो आर घटक होंगे आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा पढ़े ना, एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में इसके घटक निकलते हैं किसी भी रिजल्टेंट के। तो यहाँ पर ये निकलेंगे इसके एक्स अक्ष और वाई अक्ष के घटक निकलेंगे, टाइम घटक निकलेंगे, निकलेंगे टी तनाव के घटक। ठीक, मान लेते हैं यहाँ से फाई कोण बनाती है तो यहाँ से फाई एक अल्फांश मान लेते हैं, छोटा सा अल्फांश है ये क्योंकि ये बराबर होना चाहिए तो छोटा सा अल्फांश है उसको हम डी पी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर dx माना तो छोटा सा मान लेते हैं कि यहाँ पर डी पी अल्फांश मानेंगे तो फाई माइनस डी पी और छोटा हो जाएगा उससे तो फाई माइनस डी पी ये छोटा सा कोण बनेगा जो अल्फांश जो यहाँ पर घटक बन रहा है ना उस घटक से डोरी के बीच का कोण बनेगा। क्लियर? यहाँ तक इसकी सारी चीजें समझ में। अब अगर हम इसकी सारी टर्मिनोलॉजी लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि एक डोरी मानी है हमने ए बी जिस पर हम एक अल्पांश ले लेते हैं पी क्यू जिसकी लंबाई है डी एक्स और डोरी की यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं वो ओरिजिन बिंदु ओ से उसकी लंबाई एक्स है, तनाव बल टी कार्य कर रहा है, पी डैश और क्यू डैश पर जो डोरी के कंपन करते समय बिंदु हैं और उन पर एक्स और वाई के घटक वर्क कर रहे हैं। सारी चीजें हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, मतलब इन तीनों डोरियों के बाद। क्लियर? ओके ठीक है। तो अब टर्मिनोलॉजी लिखते हैं कि मानते हैं माना एक डोरी ए तथा बी पर एक्स अक्ष के सापेक्ष स्थित है। क्लियर? एक्स अक्ष के सापेक्ष स्थित है, उसमें कंपन कराने पर एक मूल बिंदु से एक्स दूरी पर एक अल्पांश पी और क्यू है। ठीक है, जिसकी दूरी कितनी है? डी है। क्लियर? मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूँ लेकिन आप लोगों को समझा दिया गया है, आपको उसी तरीके से अपनी राइटिंग में अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। मैं तो केवल इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि इस तरीके से लिखना, समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? तो इनके बीच की दूरी डी एक्स है और आगे लिख लेना वो तनाव और टी प्रत्येक जगह पर तनाव की समान रहेगा और उनके बीच का कोण एक फाई है और एक का डोरी के बीच का कोण फाई माइनस डी है। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अब पी डैश और क्यू डैश। ठीक है, अल्पांश पी डैश और क्यू डैश क्या निकालते हैं? पी डैश और क्यू डैश पर हम क्या निकालेंगे? घटक निकालेंगे। घटक निकालते किस तरीके से? cos थीटा और y। ठीक है, तो हम घटक निकालेंगे x अक्ष पर, सबसे पहले निकालते हैं x अक्ष। ठीक, x अक्ष पर तनाव का घटक कितना होगा जिसको हम Tx कह सकते हैं या सिग्मा Tx कह सकते हैं। ठीक है ना? ओके, क्लियर है? सिग्मा Tx बराबर कितना होगा क्योंकि सिग्मा इसलिए लगाया कि एक जगह तो है लेकिन तनाव हर जगह पर करेगा तो इसको हम हर जगह के लिए सिग्मा यूज करते हैं। ठीक है, सिग्मा टी एक्स बराबर क्या होगा? अब देखो डी एक्स क्या एक्स बेटा नहीं होगा, नहीं तो होगा एक्स बेटा नहीं होगा। तो ये जो है इस पर हम वर्क कर रहा है ना, तो टेन सॉरी टी कॉस ये जाएगा टी कॉस वाई माइनस डी। क्लियर ओके। और ये जो बेटा है इस पर बात कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं तो आ जाएगा माइनस टी कॉस फाइव। ये टी कॉस फाइव होगा और वो क्या होगा टी कॉस फाइव माइनस डी। क्लियर। तो ये किसको वर्क करेगा एक्स को, किसको एक्स कक्ष की। इसी प्रकार से अगर हम वाई की ओर मान लो तो टी वाई बराबर कितना हो जाएगा, टी वाई की ओर कितना आएगा ऊपर की तरफ ये आएगा। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं टी साइन फाई माइनस डीपी। क्लियर। और ये नीचे की ओर जाएगा तो इसको क्या करेंगे टी साइन फाई। ये तो बोलेंगे टी साइन फाई। ये कहाँ जाएगा? ये टी ऊपर की ओर कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें तनाव वाला लगेगा या जो भी लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण जी के अनुपात में नीचे की ओर लगना चाहिए। तो इसको हम ऊपर की ओर ना लेकर लगाएंगे नीचे की। जब हम नीचे की ओर लेंगे तो बस साइन का हम इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा टी साइन फाइव माइनस टी साइन फाइव माइनस डी। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको कहते हैं सिग्मा टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर भाई या डीपी सॉरी हाँ डीपी ये क्या है? ये डीपी कह रहे हैं भाई कह रहे हैं कुछ भी कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोण ले रहे हैं तो कोण के रूप में ही लेंगे। क्लियर। हम इसको कोण के रूप में ही लेंगे। ये डेल भाई कैसे है? बहुत कम। कैसे? बहुत कम या कह लो अल्पांश होते हैं। अल्पांश ही तो है, हम अल्पांश की गणना कर रहे हैं। तो जब ये अल्पांश होते हैं तब क्या करनी होती है? तब cos फाइव माइनस डी फाइव बराबर कितना हो जाएगा? तब cos फाइव माइनस डी फाइव बराबर cos फाइव हो जाएगा। ये तो बहुत अल्पांश है। ठीक। अगर आप साइन की बात करें तो साइन फाइव बराबर कितना हो जाएगा? साइन फाइव बराबर इक्वल टू हो जाता है ये फाइव या फिर इसको कह लो टेन फाइव। ठीक। या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका उल्लंघन करेंगे तो टेन फाइव बराबर एक आठ आ जाता है। तो फाइव से टेन फाइव लिख सकते हैं, टेन फाइव इधर डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर। अब एक और टर्मिनोलॉजी से हमारे पास साइन फाइव माइनस डी फाइव। क्लियर। तो जब साइन फाइव बराबर फाइव हो गया तो साइन फाइव बराबर में कितना हो जाएगा? फाइव माइनस डी। क्लियर। कोई दिक्कत? यदि अल्पांश होते हैं तो हमारी ये सिचुएशंस लग जाए। ठीक। जब ये सिचुएशंस लग जाते हैं तो हम कह सकते हैं इन सिचुएशंस के अलावा जब उसको मान रखेंगे तो टेन एक्स बराबर कितना आएगा? एक्स बराबर दे लो कॉस फाइव माइनस डी फाइव। कॉस फाइव माइनस डी फाइव टेन किया हमने cos फाइव। ये t cos फाइव हो जाएगा माइनस t cos फाइव। तो ये बराबर कितना आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा जीरो। क्लियर। अब ये भाई बराबर कितना आएगा? सिग्मा टी वाई। सिग्मा टी वाई बराबर कितना आएगा? t साइन फाइव माइनस डी बराबर में कितना मान लिया? साइन फाइव माइनस डी फाइव बराबर कितना होगा? फाइव माइनस डी। केवल फाइव माइनस इसको इज इक्वल टू इज इक्वल। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टी और कोष्टक में कितना आ जाएगा? फाइव माइनस डी फाइव। ओके। क्लियर। फाइव माइनस डी फाइव आ जाएगा माइनस टी। ओके। और यहाँ पर साइन फाइव को हम क्या कह सकते हैं? फाइव कह सकते हैं या टेन फाइव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? हम फाइव या टेन फाइव या कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर है। अब उसको आप क्या लेते हैं उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। क्लियर है। क्लियर है। ये कहाँ से आएगा? ये ऊपर वाले में जाएगा, ऊपर वाले। अगर हम उसको नीचे वाले की तरफ लाएं तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। माइनस थ्री फाइव माइनस थ्री। ठीक है, अब देख लेंगे इसका निर्गुणा करते हैं तो फाइव निकल जाएगा, मतलब सी कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा वाई बराबर कितना आएगा ई डी। ठीक है, इतना आ जाएगा। चूंकि हम हाई को हमने अल्फान माना, हाई एक क्या है एक अल्फान है। ठीक, अल्फान से तो हाई बराबर हम क्या लिखेंगे, हाई बराबर लिखेंगे टेन फाइव। क्लियर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ई डी टेन फाइव लिख सकते हैं। हाँ, अब आपने देखी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ई डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि अभी हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा तो tan phi into dx, dx से dx कैंसिल कर दो। अगर हमने बन किया हमने यहाँ पर थोड़ा कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। अब देखो हमें देखते हैं हमने फ्री लिखा है d अपॉन dx, tan phi को बताया था dy अपॉन dx लिख सकते हैं into d। क्लियर, जब ये अल्फान होता है तो उसको हम dy अपॉन dx लिख सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर है यहाँ तक आ गया। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं टी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा इसमें इंटू डी एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं जो हमने अल्फान पी क्यू माना था इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान m माना अल्फांस पी क्यू का द्रव्यमान m। ठीक, पी क्यू का द्रव्यमान कितना है m, तो उसके लिए हम कितना लिख सकते हैं m dx लिख सकते हैं अल्फांस के लिए। क्लियर, अल्फांस के लिए हम क्या लिखेंगे m dx लिखेंगे। अब मान लेते हैं माना विस्थापन y का, जब हम डोरी का विस्थापन करेंगे डोरी के वायु विस्थापन, इस पर वायु विस्थापन पर त्वरण कितना आएगा, त्वरण बराबर कितना आएगा इसके वायु विस्थापन पर त्वरण आएगा डी वाई स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये तो होता है त्वरण, क्योंकि वेग को डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा क्या आता है त्वरण आता है। वायु विस्थापन है, वायु विस्थापन को हम एक बार करेंगे तो क्या आएगा, एक बार करेंगे तो वेलोसिटी आता है, और जब हम उसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं टी के सापेक्ष तो क्या आता है हमारा, तो आता है हमारा त्वरण। ठीक है ना, अब क्योंकि हम लगा रहे हैं न्यूटन का दूसरा नियम, इसका नियम न्यूटन के दूसरे नियम, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। यही तो होता है बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक, तो बल कितना है हमारा, बल लग रहा है टी फोर्स, ये तो लग रहा है बल, तो इसको हम कह सकते हैं टी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये लग रहा है हमारा बल। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है हमारा एम इंटू डी एक्स। त्वरण कितना है, त्वरण है हमारा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर। क्लियर, अब हम इसको आगे देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ dx से dx कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, ये बचेगा dy स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम टी को उस तरफ भेज दें तो कितना हो जाएगा एम अपॉन टी या टी अपॉन एम, ये आ जाएगा एम अपॉन टी और डी वाई स्क्वायर अपॉन डी टी। क्लियर, टी को उस तरफ भेज देंगे तो एम अपॉन टी आ जाएगा और डी वाई स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर हम संपूर्ण द्रव्यमान के लिए माने, किसके लिए माने, संपूर्ण द्रव्यमान, तो m हमारा कितना आ जाएगा, m हमारा बड़ा आ जाएगा m अपॉन t। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ठीक, अगर हम संपूर्ण द्रव्यमान के लिए माने तो m बराबर हो जाएगा m हम कैसे लिख सकते हैं कैपिटल R, तो हमने स्मॉल लिखा है क्योंकि हमने अल्पांश के लिए माना था। अब मान लो पूरी डोरी, इसके लिए पूरी डोरी के लिए, पूरी डोरी के लिए जब निकालेंगे तो कैपिटल M को स्मॉल m, अल्पांश के लिए स्मॉल m था, जब कैपिटल M आएगा तो m आएगा, ठीक है ना। और एक चीज और करते हैं, जो हमारा समीकरण है वो कैसा है, वो हमारा है d2y/dt2 इक्वल टू क्या था, d2 d2y/dx। तो हम उसको इस रूप में रखेंगे, ठीक है ना, इस रूप में हम रखेंगे। जब इस रूप में रखेंगे तो ये भी रहेगा, ये इधर है, कहाँ जाएगा, ये इधर है, ये रहा जाएगा तो क्या मिलेगा d2y/dt2, ठीक है। उसी तरीके से आएगा इक्वल टू आ जाएगा, ये रहा जाएगा t अपॉन m और कोष्टक में रहेगा d2y/dx, ठीक है। तो ये आ जाता है पूरी डोरी, पूरी डोरी। तो हम आगे देखते हैं, क्लियर है। तो पूरी डोरी के लिए क्या है, ये आ रहा है d2y/dt2 dy d2y/dx, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास एक समीकरण है d2y/dt2 v2 d2y/dx, क्या लिया है ना, ये हमारा एक समान तरंग है, ये तो आएगा एक समान डायमेंशनल होता है ना, एक बिंदु तरंग के लिए, क्लियर। तो यह आएगा एक बिंदु तरंग। अगर हम इसकी तुलना उससे करते हैं अपने समीकरण से, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा v2 इक्वल टू t अपॉन m, क्लियर। कोई दिक्कत, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं v इक्वल टू √p अपॉन m, क्लियर है, कोई दिक्कत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके पेपर में पक्का आना, क्लियर है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। अगर मान लिया जाए कि इसको हमें पूछा गया है टाइम में, आप द्रव्यमान बताइए या फिर ये बताइए, घनत्व बताइए, क्योंकि m का मान तो एक अल्पांश के लिए है और यहाँ p क्या है, यहाँ p कितना हुआ है, तनाव तो होगा नहीं, तनाव आता है तो डायरेक्टली फॉर्मूले में रखते हैं, नहीं आता है तो हम देखते हैं कि मान लो एक डोरी है ऐसी, उसको यूं लटकाया है, इधर से कर दिया और इस सिरे से m द्रव्यमान में कोई m द्रव्यमान लटका दिया, तब भी वो एक तनी डोरी, तो वहां पर तनाव कितना आएगा, वहां पर तनाव आएगा m into g, ये मतलब गुरुत्वाकर्षण के लिए नीचे लटकी, और यहाँ m द्रव्यमान कितना आएगा, जो यहाँ m द्रव्यमान है वो कितना आएगा, वो डोरी का द्रव्यमान होगा। डोरी का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, डोरी का द्रव्यमान निकालते हैं पाई r स्क्वायर, मतलब जहाँ r क्या है, यहाँ r की डोरी की त्रिज्या होगी, क्या होगी डोरी की, अरे यहाँ पाई r होगा, ठीक। जहाँ r क्या है, r बराबर डोरी की त्रिज्या, और रो क्या है, रो उसका घनत्व, ठीक। जब उसका घनत्व और क्षेत्रफल का गुणा करेंगे तो उसका द्रव्यमान आ जाएगा, क्लियर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि g बराबर होगा अंडर रूट mg अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू रो। ये भी फॉर्मूला निकालना है, इस फॉर्मूला में देखकर हम की तरंग चार्ज, क्लियर। तो यहाँ से आप फॉर्मूले में रखकर भी दोनों चीजें निकाल सकते हैं, या ये डेरिवेशन करने के लिए आता है एक समान किसी रोज में तरंगों की चाल क्या होगी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा।